हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृतामिश्रा.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। झाग वाली कॉफ़ी हम कैसे बना सकते हैं, तो आइए सीखते हैं अपनी रेसिपी। बट रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। मैंने नया चैनल बनाया है अमृताज लाइफ स्टाइल एंड मोर करके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे नए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उसमें बहुत ही अच्छे ब्यूटी टिप्स हैं, घरेलू नुस्खे हैं। आप उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आइए तो हम अपनी इंस्टेंट कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है, आप चाहें तो 1 सैशे भी ले सकते हैं। मैंने 1 स्पून लिया है कॉफ़ी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार से कम भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे पानी। और इसको हमको लेके अच्छे से फेंटना है, ये देखिए ऐसे ही ऐसे करके फेंटना है। और इसमें ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तो अच्छा इसमें झाग नहीं आ पाएगा, तो कम पानी ही डालिए, बस केवल 2 चम्मच पानी डालिए और इसको अच्छे से फेंटिए। तो चीनी के जो ग्रैनुअल्स हैं वो अपने आप गल जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं, तो इसको हमें लेके अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए 2 ही मिनट तक हमने इसको फेंटा है अच्छे से, और ये देखिए कितना ज़्यादा ये फ्लफी हो गया है। और आप अगर इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे तब ये इतना अच्छा फ्लफी नहीं होगा, तो आप पानी बहुत ही कम, बस केवल 2 चम्मच डालिए और अपने आप मिक्स करते जाएंगे तो चीनी अपने आप वो घुलती जाती है। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो इतना ये फ्लफी नहीं होगा। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन में हमने 1 ग्लास दूध लिया है। अब इस दूध को हम अच्छे से बॉयल होने देंगे, अच्छे से इसमें खौला लेंगे। ये देखिए दूध में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है और ये थोड़ी देर तक खौल चुका है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा गाढ़ा दूध चाहिए रहता है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो बहुत ही अच्छा आता है फ्लेवर। अब ये जो हमने तैयार किया था तो इसको हम लेकर के इसमें ऐड कर देंगे और तुरंत फिर अपनी गैस लेके बंद कर देंगे। अब हमको इसको नहीं पकाना है, बस तुरंत मिक्स करिए। ये देखिए अगर आपको लगे कि रंग अच्छा है तब आप इसमें और मत एक्स्ट्रा मिलाइए और इसको रख दीजिए फ्रिज में। अब अगली बार जब कॉफी बनाएंगे तब आप इसको यूज कर लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा झाग अभी से आ गया है, गैस मैंने बंद कर दी है। अब हम कॉफी लेके ऊपर से इसमें पोर करेंगे। ऊपर से पोर करने में क्या होता है कि अच्छा सा झाग आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा झाग आ चुका है, एकदम ये कैफे कॉफी डे जैसी कॉफी हुई है, बहुत ही अच्छी कॉफी हमारी बनी है। ये देखिए इसको मैंने थोड़ी सी सूखी कॉफी के साथ डेकोरेट किया है। आप भी ऐसे बना के जरूर ट्राई करें और बिना मशीन के अच्छी झाग वाली कॉफी का मजा उठाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कॉफी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप तुरंत मेरा वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ओके बाय।